हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सबको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। 22 जुलाई 2023 के दिन जूनागढ़ में भारी बारिश हुई। आसमान में काले घने बादल छा गए और अचानक आसमान से आफत बरसने लगी। एक ही दिन में इतनी बारिश हुई कि पूरे शहर में चारों तरफ पानी भरने लगा और जूनागढ़ के लोग कुदरती आपदा में फंस गए। 4.5 घंटे तक लगातार आसमान से भारी बारिश गिर रही थी। शहर के लोगों में दहशत फैल गई थी। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल छा गया था और लोग अपने घरों को पानी से बचाने के लिए काफी संघर्ष कर रहे थे। लेकिन बारिश इतनी भयावह थी कि कई लोगों ने अपना घर और कई सारी चीजें गंवा दी थी और साथ में कई लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने प्रियजनों को पानी में बहते हुए, डूबते हुए और मरते हुए देखा था। लेकिन कई सारे ऐसे खुशनसीब लोग थे जिनको बचा लिया गया था। आखिर हम इंसान हैं, ऐसी कुदरती आपदाओं के सामने लड़ने की क्षमता और हमारे लोगों को बचाने की क्षमता हमारे अंदर है। कैसे भी करके हम ऐसी आपदाओं से बच जाते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे जानवर जंगलों में हैं, जिसको ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए कोई नहीं आता है। जैसे ही बारिश रुक गई, तब ऐसे ही बेबस और लाचार जानवरों की एक वीडियो मेरे सामने आई। शहर में जितनी बारिश गिरी थी उससे कई ज्यादा बारिश गिरनार के जंगलों में गिरी थी और जंगलों में चारों तरफ पानी फैल रहा था। कई सारे पेड़ गिर रहे थे और पूरा जंगल पानी से भर गया था। कई सारे बड़े जानवर कैसे भी करके ऐसी आपदाओं से बच जाते हैं, लेकिन उसके बच्चे पीछे छूट जाते हैं और ऐसी भयावह स्थिति में फंस जाते हैं। कई दिनों तक उसको खाना नसीब नहीं होता। जैसे ही दिन बीतते जाते हैं, वैसे ये बच्चे धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं और मर जाते हैं। तो इस वीडियो में ऐसे ही दो बंदर के बच्चे आप देख सकते हैं, जो ऐसी भयावह स्थिति से उभर कर अपनी जान बचाने में सफल हो गए थे। लेकिन उनको कई दिनों तक खाना पीना नसीब नहीं हुआ, जिसके कारण वह काफी कमजोर हो गए थे। वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और भीगे बदन के कारण ठंड से कांप रहे थे। उनकी माँ शायद उनसे बिछड़ गई थी। उनकी माँ की अनुपस्थिति में दोनों बच्चे एक दूसरे को संभाल रहे थे और प्यार से एक दूसरे को सहला रहे थे। ये दृश्य मेरे दिल को काफी छू लेने वाला था और काफी दयनीय था। इन बच्चों को संभालने वाला आसपास कोई नहीं था। ये दोनों बच्चे बारिश से बचने के लिए आशियाना ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसी जगह उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसी वक्त ऐसे निसहाय जानवरों को बचाने के लिए एक एनिमल लवर वहां पर पहुंचा और जैसे ही उसने इन बच्चों में से एक को दूध की बोतल दी, तो उसने बड़े ही शांति से पूर्ण व्यवहार करते हुए, सिर्फ आंखों की भाषा को समझते हुए और समझाते हुए कह रहा हो कि पहले दूध मेरे छोटे भाई को पिलाओ, बाद में मुझे देना। मतलब कि ये जानवर भी प्रेम और कृतज्ञता महसूस करने में सक्षम होते हैं। और इन दोनों प्यारे वानरों को देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आज के समय में एक इंसान दूसरे इंसान की तकलीफों को नहीं समझ पा रहा है। अगर कहीं किसी लाइन में कुछ चीजें बांटी जाती है, तब लोग एक दूसरे को धक्का मारकर छीना झपटी करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों बेसुबान जानवर अपने अपनी बारी का बड़ी ही शांति से इंतजार करते हैं। ये जानवर मनुष्य से ज्यादा समझदारी का एक बेहतर उदाहरण है। जानवर हम मनुष्य की तरह ही जीवित जीव है, जो कि बोल नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर प्रेम, कृतज्ञता और वफादारी को समझने की शक्ति काफी बेहतर होती है। इन जानवरों से आज के मनुष्य को काफी कुछ सीखने की आवश्यकता है। यहाँ पर इस इंसान ने बड़ा ही श्रेष्ठ उदाहरण दिया है कि जानवरों को भी अतिवृष्टि, अनावृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं की असर रहती है। हम मनुष्य का भी एक फर्ज है कि ऐसे बेजुबान जानवरों को भी थोड़ी हेल्प कर सके। आज के युग में कई लोग जानवरों के लिए इतने निर्दयी और क्रूर हो गए हैं
जिससे जानवरों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। इन सब से हटकर मुझे इस वीडियो में इन नन्हे प्यारे वानरों की आंखों में जो शालीनता थी, जो विनम्रता थी और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की जो भावना नजर आ रही है, वो भावना मैंने अभी तक कहीं नहीं देखी। तो दोस्तों, अगर आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।